नमस्ते मैं हूँ आकृति भाटिया वेलकम टू माय चैनल अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बी अ पार्ट ऑफ़ आर फैमिली ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस रेगुलरली आती रहें आज की तक कार्ड रीडिंग है 2021 लव प्रडिक्शन इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2021 में एंड क्या क्या होने वाला है कौन आने वाला है कौन रहने वाला है और गाइडेंस आपके लिए क्या है अब इस रीडिंग के लिए हमारे पास चार पाइल्स हैं हमारे पास है पाइल वन फ्लावर पाइल टू है हमारा हार्ट पाइल थ्री है स्टार एंड पाइल फोर है लीफ सो तो ये चारों पाइल्स मैंने ग्रीन कलर की बनाई है क्योंकि ग्रीन हमारे हार्ट चक्र का कलर होता है और यहाँ सब हार्ट चक्र और लव की बात होगी यहाँ पर एंड आपको क्या करना है आपको इन चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है पाइल्स सिलेक्ट करने के लिए आप आगे वीडियो में मैंने पाइल्स का ना क्लिप डाला हुआ है तो आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट सेक्शन में भी टाइम दिए अपना टाइम स्टैम नोट करो वीडियो को टाइम स्टैम पर फॉरवर्ड करें एंड अपनी रीडिंग इन्जॉय करें और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे डीएम कर सकते हैं दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो भी कर सकते हैं फॉर वीकली रीडिंग्स लाइव सेशन एंड मोर एंड मोर गाइडेंस ठीक है सो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग के साथ आई जिन्हों ने भी चुना फ्लावर देखते हैं आपकी लव लाइफ 2021 में कैसी रहेगी सो टैरो डेक्स हमारे पास है सेवन ऑफ व्री ऑफ कप्स एंड ऑफ पेंटिकल्स एस्ट्रोलॉजी ओरकल कार्ड से हमारे पास है सिक्स हाउस एंड पाइसिस ओके मिनोलॉजी ओरिकल कार्ड से हमारे पास है फुल मून इन लिब्रा ओके ओके एंड वी ऑल्सो हैव ओके साउथ नोट पीछे चला गया था ना एनर्जी ओरिकल कार्ड से हमारे पास है एडजेंट पॉसिबिलिटीज एनिमल स्पिरिट ओरिकल कार्ड से हमारे पास है सी हॉर्स स्पिरिट वॉच एंड वेट विस्डम ऑफ द ओरिकल कार्ड से हमारे पास है कम टू द एच एंड फाइनली यूनिवर्सली लव हीलिंग ओरिकल कार्ड से हमारे पास है मैसेज फ्रॉम अफार तो देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं तो पहले तो सेवन ऑफ वान्स नज़र आ रहा है सेवन ऑफ वान्स से ऐसा लगता है जैसे आप थोड़े से अपने बारे में ना प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव एनर्जी में हो जैसे जा आप इतना ज़्यादा थोड़ा आपकी टेंडेंसी है कि कोई आपके नज़दीक आए तो आप उनको पीछे धक्का मार दोगे कि नहीं नो पीछे जाओ ठीक है अभी एट ऑफ कप से नज़र आ रहा है कि थोड़ा एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है 2021 में आपका ट्रैक चेंज हो रहा है आपकी अप्रोच चेंज हो रही है आपकी प्रायरिटीज़ चेंज हो रही है इमोशनल प्रायरिटीज़ चेंज हो रही हैं अब ज़्यादा एनलाइटन हो रहे हो अबाउट कि आपके बारे में क्या सही है आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है और शायद ये सेवन ऑफ वन और एट ऑफ कप से बताते हैं कि क्योंकि आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यू you नो know, कि क्या आपके लिए सही है कौन आपके लिए सही है कौन नहीं है तो जो नहीं है ना उनको आप फिल्टर आउट करना शुरू कर दो कि नहीं गो यू गो यू गो तुम जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं मुझे ना बोलना सीख लो आप अननेसेसरी लोगों का बैगेज लोगों का ड्रामा अपने सर पर ना लो ठीक है एंड अपने लिए एक स्टैंड लो एक स्ट्रांग स्टैंड लो यस yes? देन uh, लेकिन लेकिन एक और चीज़ है कि ये एट ऑफ कप्स एनर्जी थोड़ी सी इट्स नॉट वेरी हैप्पी हैप्पी कि वो जो चेंज इन प्रायरिटीज आ रहा है उनसे उससे आपको कुछ दुख भी हो सकता है जैसे आप जिन लोगों को सपोज मना कर रहे हो या जिन सिचुएशंस को आप इनकार कर रहे हो ठीक है उनसे आपको कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है तो आपको हो सकता है कि आप सैड होकर उनसे अवे कर रहे हो उनसे दूर जा रहे हो बट उसमें एक बात की खुशी ये है कि आपको पता है कि आप जहाँ जा रहे हो आप सही रास्ते पर जा रहे हो वो सही है ठीक है क्योंकि ज़रूरी ना कि हम 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 जिससे इमोशनली अटैच हों या जिन हमें जो लगता हो हमारे लिए सही है वो एक्चुअली हमारे लिए सही हो यस yes? बट आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या एक्चुअली सही है कहाँ एक्चुअली आपकी खुशी बसी है देन थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि बहुत चांसेस हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पर किसी से मिलें किसी से मुलाकात हो आपकी थ्री ऑफ पेंटिकल्स अभी ऐसा लग रहा जैसे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी वो नहीं आ रही है थोड़ा कैजुअल, इजी एंड एक फ्रेंडशिप टाइप का माहौल लग रहा है कि जैसे आप किसी से ग्रुप सेटिंग में या किसी कलीग के थ्रू आप किसी से मिल लें फॉर्मली थोड़ा सा मिले ठीक है एंड फिर बातचीत हो एक्सप्रेशन हो रहा है लेकिन पोटेंशियल है काफ़ी पोटेंशल है ग्रोथ की वर्क प्लेस बहुत स्ट्रांग आ रही है क्योंकि हमारे पास सिक्स थाउस भी है यहाँ पर तो सिक्स थाउस अगेन तो आपके बाद दो वर्क हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ तो वर्क प्लेस पर आप मिल सकते हैं या किसी आई डोट नो आप हेल्थ सेंटर पर जाते हैं जिम में मिल सकते हैं आप किसी uh, या, या किसी और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हैं या कोई क्लासेस में जाते हैं आप फॉर हेल्थ फिटनेस या ये योगा करिए योगा क्लासेस में मिल सकते हैं मतलब कैसे भी आप किसी को मिल सकते हैं मतलब कैसे भी नहीं मतलब जैसे कि कहीं आप काम पे जाते हैं या कुछ डेली रूटीन जहाँ पर आपका डेली रूटीन बना हुआ ना ऐसी जगह पर आप किसी से मिल सकते हैं बेसिकली ठीक है एंड मिलेंगे ग्रुप में एंड ग्रुप में दो तीन लोग हैं यहाँ पर और फिर आगे कुछ बातचीत बढ़ सकती है पोटेंशियल है वहाँ पर ठीक है? होल्ड यू बैक यस तो शायद ये जो ऑफ वन एनर्जी ना ये आप अपने पास से ही डर रहे हो यस yes? तो 2021 में पहले आप अपने पास से लड़ोगे और फिर आप आगे बढ़ोगे ठीक है अब जरूरी नहीं देखो कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ठीक है तो उनके लिए मैसेज है कि पास्ट से लड़ने का मतलब यह है कि आपके पास्ट पैटर्न्स कि सपोज हो सकता है कि आपके कुछ पास्ट की इनसेरिटीज हैं बैगे जो आपके रिलेशनशिप को सफर करा रही हैं ठीक है थीके? तो उनसे लड़ने की जरूरत है आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ने की जरूरत है ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज के लिए जगह बना सकें यस दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ने की हिम्मत रखें yes, अपने लिए स्टैंड लें ये रियलाइज करें कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है नाउ वी हैव फुल मून इन लीब्रा आउटकम इज फोकस ये कार्ड बहुत अच्छा रहता है एक लव रीडिंग में तो स्पेशली आई लव इट क्योंकि ये क्या कहता है कि पहले चीज़ें नहीं हैं अप्स एंड डाउंस बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं ठीक है रोलर कोश्चन राइड एकदम अब चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएंगी बैलेंस हो जाएंगी और एक फ्लो में आ जाएंगी ठीक है फुल मोन इन लिब्रा ये बताता है कि पार्टनरशिप के बहुत चांसेस हैं ये रोमांटिक पार्टनरशिप के बहुत चांसेस हैं ठीक है प्रोफेशनल पार्टनरशिप के भी चांसेस हैं अब इसमें दो चीज़ें निकलती हैं या तो आप जिसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो या फिर हो सकता है जिसके साथ रिलेशनशिप में हो इन लोगों के लिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप में है? उनके साथ आप पार्टनरशिप प्रोफेशनल पार्टनरशिप में आ जाएं। तब तभी साथ में काम करने वाली एनर्जी की हो सकता है अपने लव इंटरेस्ट के साथ काम करना शुरू हो जाए दैट इज़ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी एंड अगर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आपका जो लव इंटरेस्ट है और करियर पार्टनर है दोनों मिल जाए बहुत ही अच्छा वेरी की काफ़ी हारमोनी रहेगी आप दोनों में यस नाउ नेक्स्ट वी हैव कम टू द एज ओके ये दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं कम टू द एज एंड एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी तो कम टू द एज बेसिकली आपको बोलता है कि एक लिप ऑफ फेथ लेने के लिए ट्रस्ट करने के लिए कि आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें थोड़ा देखें कि और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है एडजस्टमेंट पॉस क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं और क्योंकि हैं अवेलेबल इट्स नॉट लाइक like कि आप स्टक हो या आपके पास यू you नो know, और दरवाज़ा नहीं है शायद आप एक गलत दरवाजे पे वेट कर रहे हो शायद आप यू you नो know, अपने आप को उतना मौका नहीं दे रहे हो लाइफ को वो मौका नहीं दे रहे हो कि वो आपके लिए एक फ्रेश डोर ओपन कर ले यस yes? सो so आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करके क्लिप ऑफ फेथ लेना होगा एंड आप उसको बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे दैन वी हैव सी हॉर्सपिरट सी हॉर्सपिरट कहते हैं वॉच एंड वेट ओके सो सी हॉर स्पिरिट बेसिकली आपको कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा लव लाइफ में भागने की जरूरत नहीं है ठीक है या पैनिक करने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा सांस लो देखो ऑब्जर्व करो कि कहाँ गलत जा रहा है ठीक है और फिर उस चीज़ को चेंज करो लेकिन ऑब्जर्व करके और ऑब्जर्व कैसे करना है न्यूट्रल परस्पेक्टिव से एक विदाउट अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्योंकि लाइक ए सैड कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको अच्छी लगती है करनी आपके कंफर्ट जोन में आपको उनसे अटैचमेंट है लेकिन हो सकता है कि वो एक अगर आप एक थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से देखें तो आपको लगे कि ये बहुत अनहेल्दी है इसका ये यू uh, नो you know, ये अच्छा नहीं है यू नो इट्स रॉन्ग तो फिर वो उसको छोड़ना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सके ग्रो कर यस देन यू हैव पाइसेस स्पाइज कहता है एनर्जी इज विस्टफुल एंड लेस लविंग कम्पैशन एंड फॉर गिविंग इट कंफ्यूज एंड सॉफ्ट रिजॉल्व ओके सो एक तो पाइसिस एनर्जी आ गई मतलब कि एक साइकिल एंड हो रही है दूसरी शुरू हो रही है स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रोंग है आपका इंटन काफ़ी स्ट्रोंग है आप पाइसिस हो सकते हो यह हो सकता है जिनसे आप डील करें वो पाइसेस हो आइडर ऑफ व्यू इज लिबरा कोई लिब्रा है और कोई पाइसिस है या दोनों में ही लीवरा पाइसिस के ट्रेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं बिल्कुल यस वेरी मच पॉसिबल अब ये कह रहा है कि एंडलेसली लविंग एनर्जी एंड कम्पेशन सो प्रॉब्ली जिस इंसान से आप मिल रहे हैं या जिस कनेक्शन या जिस लेवल ऑफ कनेक्शन पे आप बढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें लविंग एनर्जी है कंपैशनट एनर्जी है एक अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है एक स्मूथ फ्लोइंग एनर्जी है ठीक है एंड फोरगिविंग फोर्विंग का मतलब ये है कि आपको माफ़ करना जरूरी है माफ़ करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे वही है डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक कि पास से आगे बढ़ने का क्या तरीका है फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस लोगों को सिचुएशंस को अपने आप को अपने आप को सबसे पहले अपने आप को फॉरगिवनेस ओके क्योंकि फॉरगिवनेस से आप क्लेंस करेंगे ठीक है क्लेंजिंग से आप स्पेस बनाएंगे फॉर फ्रेश पॉजिटिव एनर्जी यस जिससे कि आप ग्रो करेंगे देन वी हैव मैसेज फ्रॉम अफार मैसेज फ्रॉम अफार ये बताता है कि एक तो यूनिवर्स आपको कंसिस्टेंटली मैसेजेस दे रहा है और देता रहेगा और प्रोटेक्ट करता रहेगा वो पाइसिस से भी आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटिव हो जाएंगे एंड मैसेज पर बिल्कुल ध्यान दें और उनको सुनें और उनको फॉलो करें और मैसेज फ्राम अफार ये बताता है कि ये जो जिस इंसान के साथ आप इन्वाल्व हो रहे हैं ये हो सकता है आपसे काफ़ी दूर हो डिस्टेंस पर हो और वो डिस्टेंस से आपको मैसेजेस दे रहे हैं एंड मैसेजेस पे बहुत बातें हो रही हैं काफ़ी बातें हो रही हैं फ्लोटिंग हो रही है एक्सप्रेशन ऑफ लव हो रहा है ठीक है तो मैसेजेस पे काफ़ी मैसेजेस इंटेटिवली भी और केसेस के थ्रू भी यस सो या यही है आपके लिए मैसेजेस पाइल वन काफ़ी मैसेजेस मैसेजेस हो गए तो so, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए मे यू हैव अ ग्रेट ईयर अड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगली बार मिलेंगे बाय पायल टू जिन्होंने भी चुना हार्ट देखते हैं आपकी लव लाइफ 2021 में कैसी रहेगी तो टैरो डेक्स हमारे पास है फोर ऑफ़ कप्स जस्टिस इट ऑफ पेंटिकल्स ओके एस्ट्रोलॉजी ओरिकल कार्ड से हमारे पास हैं फोर्थ हाउस एंड द मून मोनोलॉजी ओरिकल कार्ड से हमारे पास है फर्स्ट क्वार्टर मून योर कमिटमेंट इज बींग टेस्टेड एंड एनर्जी ओरिकल कार्ड से हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ विस्टम ऑफ दरिकल कार्ड से हमारे पास है क्लिनिट अप एंड ट्रेजर आईलैंड ओके एंड फाइनली एनिमल स्पिरिट और कार्ड से हमारे पास है एंटीलोप स्पिरिट लाइफ इजिंग आप एंड गार्जन ओके गार्जन नाओ देखते हैं कि क्या मैसेज हैं वेल सो बेसिकली पहले तो फोर ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और बीच में जावर्स आपको बोल रहा है कि बैलेंस करो बैलेंस करो, करो बिटवीन प्रैक्टिकल साइड एंड योर इमोशंस ठीक है जिसमें कि मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो ठीक है उन पर पूरा ध्यान है आपका लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट्स थोड़े आपके इग्नोर हो सकते हैं हो सकता है आप उस तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे इग्नोरेंट हो रहे हैं उस पार्ट को लेकर ठीक है ना अगर तो आप रिलेशनशिप में तो मैं कहूँगी कि रिलेशनशिप बहुत स्टेबल है आगे बढ़ रहा है हारमोनी है बट आपको थोड़ा ना इमोशंस आप इमोशंस के बारे में अपना थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होने की जरूरत है आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कंसर्न ध्यान देने की ज़रूरत है उस तरह या तो आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखे हैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ही हो गए अपने रिलेशनशिप की बहुत से केयर हो गए हैं तो इमोशनल साइड हालाँकि आपको फ़ील होता है कि कुछ मिसिंग है आपको फील होता है कि कुछ मिसिंग है कुछ मिसिंग है तो ध्यान दो ठीक है आप हो सकता है अपने पार्टनर का वेट करो कि वो कुछ करें वो कर रहे हैं आपको देखने की जरूरत है या फिर आपको कुछ करने की जरूरत है टाइम कि आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के ना बैठे और डू समथिंग अबाउट इट अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल होने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा ही प्रैक्टिकल और कॉशियस होकर चल रहे हैं ठीक है उसमें कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल वैसे आप चल सकते हैं लेकिन यूनिवर्स कह रहे थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी ध्यान दो हो सकता है कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा हो हो सकता है आपको किसी में इंटरेस्ट आ रहा हो लेकिन आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं या आप उस इंसान को नोटिस नहीं कर रहे हैं ठीक है इट्स टाइम कि आप नोटिस करें जस्टिस आ रहा है लिब्रा एनर्जी है लिब्रा एनर्जी वैसी बड़ी एनर्जी होती है एंड वो आपको रिलेशनशिप्स की तरफ ड्रॉ करती है तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी फीलिंग्स की सुनने की जरूरत है और फोर एनर्जी मतलब ये स्टेबल है इट इज स्टेबल फोर ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जस्टिस भी है तो एनर्जी स्टेबल है प्रोटेक्टेड है सिक्योर है रिलायबल है बट आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ठीक है देन वी हैव मून सो मून कहता है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्स तो क्लियरली आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल इंसान है बहुत ही लविंग इंसान है लेकिन मून एनर्जी तो आप कहीं ना कहीं ना उसको दबा के रखते हैं एक मिस्ट्री बन के रहते हैं आप लेकिन आप खुद के लिए भी एक मिस्ट्री बन गए हैं क्या आपको खुद को समझ नहीं आता कि आपको क्या चाहिए आपको पता है बट आप ना सुनते नहीं हैं अपने इमोशंस की ठीक है मून ये बताते कि काफ़ी इं, इंटुशन काफ़ी पावरफुल है पर अगेन जो डिवाइन मैसेजेस हैं ना वो अब तक तो पहुँच नहीं रहे हैं क्योंकि आप उस तरफ अटेंशन नहीं आप ऐसे करके बैठे हुए हाँ थोड़ा सा ओपन योर सेल्फ अप ठीक है ओपन अप करेंगे तो सब पॉजिटिव चीज़ें आप तक आएंगी फोर्थ हाउस है हमारे पास फोर्थ हाउस मतलब कि कुछ ऐसा आ रहा है जो कि काफ़ी स्टेबल हो ठीक है काफ़ी डिपेंडेबल हो काफ़ी रिलायबल हो फोर्थ हाउस का मतलब ये भी है कि हो सकता है अपनी फैमिली के थ्रू या अपने घर के आसपास किसी से मिलें या फिर किसी के घर में किसी से मिलें या फिर अपने किसी बचपन हाँ किसी बचपन का कोई है आपका जान पहचान उसके साथ कुछ आपका लव इंटरेस्ट बैठ सकता है लव इक्वेशन बैठ सकती है वेरी मच पॉसिबल ठीक है पर फोर्थ हाउस ऑल ऑल ये बताता है कि काफ़ी सिक्योर है और लव लाइफ में सेटलमेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं बट थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यस बस है क्लीनट क्लीनेट अप बताता है कि थोड़ा सफाई करने की जरूरत है आपको सफाई करने की जरूरत मतलब ये है कि कुछ थाट्स कुछ कुछ एनर्जी कुछ नेगेटिविटी आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो फर्स हो सकते हैं इनसेज हो सकती हैं गलत ख्याल हो सकते हैं रिग्रेट्स हो सकते हैं जिनको आप अंदर लेकर बैठे हो जिनका कोई काम नहीं है आपके अंदर बैठने का वो चीज़ें घर बना के बैठी हुई है हैं आपके अंदर ठीक है थोड़ी सफाई करने की जरूरत है थोड़ा सा क्लेंस करने की जरूरत है ताकि जगह बने और ये ट्रेजर ट्रेजर आइलैंड आ रहा है, ट्रेजर आपको मिले ठीक है लव ट्रेजर जैकपॉट लग जाएगा आपका जैकपॉट ठीक है देन हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ये कहता है कि बी स्ट्रॉन्ग ठीक है वही है आप डरते हो या तो ठीक है आप डरते हो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो स्ट्रेंथ क्या है लियो एनर्जी जो कि बहुत एक्सप्रेसिव है बहुत रोमांटिक है और बहुत कॉन्फिडेंट है आप या तो आप वेट कर रहे हो कि अच्छा अगला इंसान कोई मूव करे कुछ करे ठीक है आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ो ना एक्सप्रेस करो अपने आप को एंड अगर कोई और आप में इंटरेस्ट देख रहा है तो आपको डर लगता है कि पता नहीं सही है कुछ गड़बड़ ना हो जाए फिर से दिल ना टूट जाए फिर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ गया कि एंजल्स आपके साथ हैं स्ट्रॉन्ग बनो एंड डू वॉट यू फील लाइक अगर आपका मन कहता है कि आपको फीलिंग्स आ रही हैं तो बिल्कुल आप उस तरफ जा सकते हैं आप प्रोटेक्टेड हैं जस्टिस आप प्रोटेक्टेड हैं बिल्कुल ठीक है देन वी हैव योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड सो अगर तो आप रिलेशनशिप में हैं ठीक है ठीके? तो ये कहता है कि आपके रिलेशनशिप की कमिटमेंट टेस्ट होगी इस साल में ठीक है हो सकता है वो कुछ छुटपुट हर्डल्स ऑब्सिकल्स देखने पड़े बट वो सब आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रोंग स्ट्रोंग करते रहेंगे ठीक है और आपका रिलेशनशिप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा जहाँ पे उसको कोई नहीं ला सकता मतलब उसकी बुनियाद इतनी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी ठीक है तो बस भरोसा रख के आगे बढ़ते रहना ठीक है एंड यूर ऑलमोस्ट देर उस स्टेज पर की जब आपका रिलेशनशिप एकदम स्टेबल होगा ठीक है थोड़ा सा इमोशनल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दो अपनी इंस्टिंग को भी फॉलो करो एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कमिटमेंट 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 इज टेस्टेड कि क्या लव लव की तरफ गिव अप मत करो कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरी जिंदगी में तो प्यार आ ही नहीं सकता ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि आ रहा है आप नहीं देख रहे हो यूनिवर्स तो आपको दे रहा है यूनिवर्स तो आपको ब्लेस कर रहा है लेकिन आप नहीं देख रहे हो आपको देखने की ज़रूरत है ठीक है आपको बैलेंस करके चलना है प्रैक्टिकलिटी को और इमोशंस को यस yes. एंड ये फिर ये देखो ये ट्रेजर आने मतलब क्या ट्रेजर ऐसे तो ना लगता है यूनिवर्स की ब्लेसिंग से लगता है ट्रेजर एंड यहाँ पर भी हमारे पास टोटोज है टोटोइर टोटल है मतलब जो भी पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता फ़र्क क्या दोनों में ठीक है तो अब टोटल जो होती है टोटोज होता है ठीक है वैसे तो सी में टोटल होता है ठीक है अब वो क्या होते हैं स्लो होते हैं लेकिन स्लो मतलब कमिटेड होते हैं कंसिस्टेंट होते हैं अप नहीं करते हैं। चलते रहते चलते रहते हैं और फिर चलते चलते उनकी जीत होती है ठीक है तो ऐसे ही जैसे इसको जैकपॉट मिल गया आपको भी मिल जाएगा देन वी हैव एंटील स्पिरिट एंटील ऑफ स्पिरिट कहता है लाइफ इज स्पीडिंग अप ये बेसिकली आपको कह रहा है कि लाइफ तो आगे बढ़ रही है वक्त दौड़ रहा है अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी लाइफ का क्या करना है मतलब कि टाइम निकलता जा रहा है आप कुछ करो लाइफ आपको बहुत कुछ दे रही है लेकिन दे के वो अपॉर्चुनिटी नॉक होके के फिर वो निकल जाएगी उसको मिस नहीं करना यू टेक एक्शन टेक नेसेसरी स्टेप्स आपको भी आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते आपको भी कुछ करना होगा एक्सप्रेस करना होगा एक्नॉलेज करना होगा इनवाइट करना होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं होगा ठीक है कुछ करेंगे तो अच्छा ही रहेगा डरो मत बी स्ट्रांग एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ यस देन फाइनली वी हैव गार्डन गार्डन मतलब एंजल्स आपको बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं गाइड कर रहे हैं आपको किसी बात से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये हैं आपके लिए मैसेजेस पाइल टू आई होप रीडिंग आपको हेल्प किया एंड आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी ठीक है इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ तब तो तक पहले अपना ख्याल रखिए लॉर्ड्स ऑफ लवन लाइक ट्यूब बाई थ्री जिन्होंने भी चुना है स्टार देखते हैं आपकी लव लाइफ दो हजार इक्कीस में कैसी रहेगी तो हमारे पास है एस ऑफ वॉन्स टैरोड से पास है लवर्स इंटरेस्टिंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्स वाह देन हमारे पास एनर्जी ओरिकल कार्ड से है गार्डन एंड द गेट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट ओके विस्टम ऑफ दिकल कार्ड से हमारे पास है रीजनरेशन फ्लैक्सीबल काफ़ी कार्ड्स आए हैं हमारे पास एंड मूनोलॉजी ओरिकल कार्ड से हमारे पास है न्यूमोनन केप्रिकॉर्न एंड कैमिलियन स्पिरिट एक्ट एजेफ ओके एंड एस्ट्रोलॉजी और कार्ड से हमारे पास हैं फिफ्थ हाउस एंड जुपिटर फाइनली यूनिवर्सल लव हीलिंग और कार्ड से हमारे पास है अर्थ कनेक्शन एंड गोल्डन पार्ट ओके काफ़ी काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हमारे पास तो पहले तो हम देखते हैं डेक हमें क्या बोल रहा है सबसे पहले हमारे पास बीच में आ गया लवर्स तो क्लियरली लव लाइफ तो काफ़ी अच्छी होने वाली है काफ़ी लव रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ लव रहेगा सोलमेट कनेक्शन दिखाई दिखाई दे रहा है ठीक है बहुत फ्रेश एनर्जी आ रही है आपकी लव लाइफ में ऐसा सब है तो काफ़ी फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स हैं या तो आपका करंट रिलेशनशिप ही एक एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है या फिर कई लोगों के लिए एक नया नया कनेक्शन एक फ्रेश कनेक्शन बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेड जा रहा है मतलब बहुत ज़्यादा पैशन एंड अट्रैक्शन एंड मतलब मैग्नेटिक है ये मैग्नेटिक खींच रहा है आपको अपनी तरफ ठीक है और अटेंशन एक्सप्रेशन ऑफ लव फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इसमें एंड बहुत इंटेंस एंड पावरफुल एनर्जी है इसमें यस, डेफिनेटली दिस पर्सन कुड बी अ फायर साइन एरीज लियो सेजिटेडियस एस्पेशली लियो होने के तो बहुत चांसेस हैं या फिर जेमिनाय अब लियो जेमिनाय का कॉम्बिनेशन है आप लियो जेमिनाय हो सकते हो या वो लियो या जेमिनाय हो सकते हैं आइडर वे बट डेफिनेटली वेरी वेरी इंटेंस एनर्जी इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ लव काफ़ी ज़्यादा रहेगा एस्पेशली आई फील फ़ीमेल की तरफ से फीमेल को अटेंशन भी बहुत मिलेगी यहाँ जो फीमेल है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव है खुद भी बहुत अट्रैक्टिव है और काफ़ी एक्सप्रेसिव भी है वेरी कॉन्फिडेंट फीमेल वो वुमन होल्डिंग हार्ट में भी नज़र आ रहा है कि फ़ीमेल की फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और फीमेल बहुत खूबसूरत है यस एंड वेरी एट्रैक्टिव एज वेल ठीक है एंड देन हमारे पास गार्डन एंड द गेट भी है एनर्जी में सो गार्डन एंड द गेट बताता है कि आ, आप मतलब तो इतनी स्ट्रांग एनर्जी है तो आपके पास चॉइस है वैसे भी लवर्स है तो लवर्स हमेशा कुछ बंदिश नहीं देता है वो आपको फ्री चॉइस देता है कि रहना तो रहो नहीं तो जाने दो कोई बात नहीं ठीक है बट गार्डन एंड द गेट बता रहा है कि बेसिकली आप जहाँ हो आप ठीक हो ठीक है बट कोई हर्ज नहीं है अगर आप बाहर निकलो अपने आप को बाहर निकालो यहाँ से और थोड़ा एक्सप्लोर करो और देखो आगे क्या है ठीक है गेट की चाबी आपके पास है आपके ऊपर है कि आप अपने गार्डन में रहना चाहते हैं आराम से या आप थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं ठीक है चॉइस आपकी है बट क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है सो आई फील दैट आप बाहर निकलना ही चूज़ करेंगे क्योंकि वो आपको खींचेगा अपनी तरफ वो एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी ठीक है बहुत गार्डियन uh, एंजल्स भी इस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं ठीक है एंड काफ़ी ओपन है मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ मिस्ट्री है बहुत ज़्यादा कुछ ऑब्वियस रहेगा कि इट्स ऑब्वियस की फीलिंग्स हैं इट्स ऑब्वियस की रोमांटिक एनर्जी है यहाँ पर यस वेरी मच वी हैव न्यू मोन कैप्रिकॉन्स न्यू मन कैप्रिकॉन्न से मुझे लगता है कि ये हो सकता है आप इनसे इन अपने वर्क प्लेस पर मिलें इस इंसान से वर्क प्लेस पर मिलें या वर्क कनेक्शन कुछ रहे आपका ठीक है और वो इंसान प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे हों प्रोफेशनली काफ़ी एम्बिश हों और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हो कैप्रिकॉन हो सकता है उनके चार्ट में पावरफुल हो या आपके चार्ट में भी पावरफुल हो सकता है ऑफ कोर्स ठीक है बट डेफिनेटली काफ़ी हार्डवर्किंग पर्सन एंड एंड प्रॉब्ली इस कनेक्शन की तरफ भी हार्डवर्क लेगा एंड स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो आपने अपने रिलेशनशिप में जो मेहनत की है जो हार्डवर्क जो एफर्ट पुटेन किया है उसका अब आपको फल मिलने वाला है यस yes, डेफिनेटली तो ये मैसेजेस हैं देन वी हैव जुपिटर जुपिटर बताता है योर कॉन्फिडेंस कार सेल्फ बिलीफ एंड लक ओके सो जुपिटर एनर्जी आ गई है मतलब कि ओके okay, एक तो आप होने वाले लकी ठीक है बहुत लकी होने वाले हो आपको लगेगा वाओ वाओ टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड यू uh, नो you सेजिटेरियस know, भी हो सकते हैं क्योंकि हमने फायर साइंस की बात करी लियो हो सकता है सजिटेरियस भी हो सकता है कि सेजिटेरियस इज़ रूल्ड बाई जुपिटर और वो फायर साइन होता है एंड कॉन्फिडेंस करेज सेल्फ बिलीव तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहें ठीक है हिम्मत रखें करेज लगेगा क्योंकि एक लीप ऑफ फेथ लेने वाली बात होगी चांस लेने वाली बात है कि गार्डन अंदर गेट आए चांस लेने वाली बात है ठीक है और यहाँ पर जैसे ना दिख रहा है कि ये इंसान छलांग मार रहा है इसलिए ना छलांग मार रहा है और आगे एक बर्ड है उड़ना चाहता है ठीक है और आप लकी हो जाएंगे कि आप उड़ने लग जाएं ठीक है बिल्कुल आपकी छलांग पूरी मतलब मुकम्मल हो जाए एंड बट उस लिप ऑफ फेट लेने के लिए आपको उतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और उतना हिम्मत ही होना पड़ेगा यस yes. ठीक oh, है देन वी हैव फिफ्थ हाउस ओ बड़ी ही रोमांटिक एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक यू हैव फन रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ सो आई बिलीव दैट काफ़ी इन्जॉयमेंट रहेगी लव लाइफ में हैव फन विद दिस पर्सन रोमांस भी बहुत रहेगा एंड क्रिएटिंग प्राउड ऑफ तो क्रिएटिंग प्राउड ऑफ से मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट एक साथ करें यू you नो know, अपने लव इंटरेस्ट के साथ यस yes. ऐसा बहुत पॉसिबल कि काम का भी कनेक्शन आ रहा है फिफ्थ हाउस आ गया जैसे आप मिलकर कुछ स्पेशली अगर आप कुछ आर्ट वर्क में इन्वॉल्व हैं या कुछ क्रिएटिव करियर में इन्वॉल्व हैं ठीक है डेफिनेटली दर्ज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप एक साथ काम करें और बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा करेंगे आप दोनों विल डू वेरी वेल ठीक है एंड शायद उसी दौरान आपकी रोमांस बढ़ जाए एंड फिफ्थ हाउस है तो पूरा एक्सप्रेशन ऑफ लव रहेगा लव रिलेशनशिप लव अफेयर के बहुत चांसेस हैं जुपिटर है तो इट्स सीम्स लाइक कि ऐसा नहीं है मतलब कुछ खराब एनर्जी नहीं है जुपिटर विजडम है कि आपको पता होगा आप कहाँ जा रहे हैं आप किस तरफ बढ़ रहे हैं अगले इंसान की तरफ से भी एक ट्रस्ट जुपिटर है तो एक ट्रस्ट मेंटेन रहेगा आपका एक रिस्पेक्ट मेंटेन रहेगी इस कनेक्शन में यस yes. बल्कि बढ़ेगी ही यस देन वी हैव कैमिलियन स्पिरिट कैमिलियन स्पिरिट कहता है एक्ट एज एफ सो कमस्ट पर बेसिकली कहता है कि आपके एनवायरमेंट में और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगे अभी 2021 में आपके आसपास की सिचुएशन बदल जाएगी हो सकता है आप कहीं शिफ्ट हो जाएं आप कहीं ट्रैवल करने लग जाएं आप नए नए तरह के लोगों से मिलें या जो ये जो इंसान है जिससे आप मिलने जा रहे हैं ये एक अलग ही तरह का इंसान हो ठीक है मतलब उनका कल्चर लाइफस्टाइल आपसे अलग हो ठीक है तो थोड़ा सा आपको वो कहते हैं ना उनके रंग में ढलना होगा ठीक है वो जैसा देश वैसा भेस उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी खोनी है बस थोड़ा सा बी अ पार्ट ऑफ इट ठीक है वो जैसा देश वैसा भेस वाली बात है कि जैसे आसपास के लोग हैं वैसे अपने आप को थोड़ा सा उनके रंग में ढाल लो ताकि उनके साथ मिलना जुलना आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए उन चेंजेस की तरफ आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा उसमें थोड़ा रीजनरेशन थोड़ा अपने में ट्रांसफॉर्मेशन लानी होगी और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी क्योंकि हो सकता है ये कुछ लॉन्ग टर्म ही बन जाए तो फिर आप अगर अपना को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा इस चीज़ को आगे बढ़ाना ठीक है लेकिन बिल्कुल ये चीज़ याद रखें कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खो दें फिट इन बनने की करने की या फेक बनने की जरूरत नहीं है बी योर सेल्फ थोड़ा सा बस फ्लेक्सिबल होना है फ्लेक्सिबल होना है अडेप्टिबल होना है ठीक है रीजनरेशन ये बताता है कि आई फील दैट लाइफ आपको सेकेंड चांस दे रही है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप में एक सेकेंड चांस आ रहा है अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपने यू नो लव पे गिव अप कर दिया था या आप Uh, सोचते थे, थे कि मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता ठीक है थोड़ा सा पैसे हो गए थे तो अब लाइक आपको एक सेकेंड चांस दे रही है लव में और काफ़ी सुंदर सेकेंड चांस दे रही है सो so, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर चलेंगे तो आप इस सेकेंड चांस का इस ऑपरचुनिटी का और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे ठीक है क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इसमें बहुत प्यार नज़र आ रहा है यहाँ पर yes. देन फाइनली वी हैव गोल्डन पाथ गोल्डन पाथ ये बताता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं अपना रास्ता मत डाउट करना ये थोड़े रीजनरेशन फ्लैक्सीबिलिटी इन ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ना चैलेंज करेंगी अपने को बदलने के लिए तो थोड़ा आप हो सकता है थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाओ लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो ट्रस्ट करो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हो सकता है आपको करनी पड़े बट चलते रहो आगे बढ़ते रहो आप सही रास्ते पर बिल्कुल सही रास्ते पर हो ठीक है एंड वी हैव अर्थ कनेक्शन अर्थ कनेक्शन में देखो पेड़ के अंदर हार्ड बना हुआ है आई बिलीव दैट ये कनेक्शन जो है ना ये काफ़ी डीप रूटेड है इसकी uh, इसमें बहुत गहराई है बहुत ज़्यादा गहराई है एंड बहुत स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग है जैसे पेड़ की ट्रंक की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है ठीक है और अर्थ कनेक्शन ये बताता है कि ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप मदर नेचर से कनेक्टेड रहें ठीक है थीके? अपने आप को ताकि आप ग्राउंडेड रहें ठीक है ग्राउंडेड रहें जैसे आप थोड़ा सा बाहर हवा में निकलें हवा खाएं, महसूस करें नेचर को महसूस करें छोटी चुछ छोटी चीज़ें जो नेचर में होती हैं उनको महसूस करें ताकि आप अपने आप को ना खोएं अपनी इंडिविजुअलिटी ना खोएं, अपने आप से कनेक्टेड रहें ठीक है वरना आप हो सकता है इन सब चीज इन सब बहुत चेंजेस में आपके घूमने के चांसेस हो सकते हैं ना खोने के चांसेस हो सकते हैं मदर नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो सिक्योर रहेंगे स्टेबल रहेंगे और ग्रो करेंगे इन चेंजेस के साथ यस yes? सो so, ये आपके लिए मैसेजेस हैं पाइल थ्री आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए वो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए मी नो कैसी लगी रीडिंग हम मिलेंगे अगली बार नए वीडियो के साथ तब तक, तक लिए अपना ख्याल रखिए लॉर्ड्स ऑफ लेवन लाइक चू बाय पाइल फोर जिन्होंने चुना लीफ को देखते हैं आपकी लव लाइफ 2021 में कैसी रहेगी तो आपके लिए हमारे पास कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स टू ऑफ पेंटिकल्स एंड फूल न्यूनोलॉजी ओरिकल कार्ड्स हमारे पास है न्यू मून इन एक्वेरियस एंड वैक्सिंग मून एनिमल स्पिरिट ऑरिकल कार्ड्स हमारे पास है वॉस्प स्पिरिट एंड ब्लेसिंग्स ओके ब्लेसिंग्स है उससे यूनिवर्सल लव हीलिंग ओरिकल कार्ड से देन एनर्जी ओरिकल कार्ड से हमारे पास है गिन यांग एंड थिंकिंग वुमन विजडम ऑफ द ओरिकल कार्ड से वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड एंड हैप्पी हैप्पी एंड एस्ट्रोलॉजी ओरिकल कार्ड से फाइनली हमारे पास है लियो एंड नेपट्टून इंटरेस्टिंग ओके सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सीधा ही सीधा जो नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में ये है कि काफ़ी कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है लव लाइफ में ठीक है चांसेस ऑफ पार्टनरशिप रोमांटिक पार्टनरशिप बट ये पार्टनरशिप में रोमांस है बहुत स्टेबिलिटी नहीं मैं कहूँगी कि एकदम स्टेबल स्टेबल रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म ठीक है मे बी लाइक हो सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसे मे बी ठीक है थोड़ा अप्स एंड रहेगा अप्स एंड डाउन मतलब स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन या एनालिसिस अब वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके पास कोई चॉइसेस हो सकती हैं ठीक है ठीके? हो सकता है आपके पास दो लोग हों चूज़ करने के लिए कि दो ऑप्शंस हों आपके पास ठीक है एक जो ऑलरेडी है एक कुछ नया आ जाए ठीक है अब जो रिलेशनशिप में वो घबराओ मत ठीक है रिलेशनशिप में हो सकता है आपके कोई न्यू फेज आ जाए रिलेशनशिप में लेकिन रिलेशनशिप uh, में भी ना थोड़ा आपको ऐसे ऐसे रहेगा स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ये रिलेशनशिप स्टेबल है या स्टेबल नहीं है अभी फुल एनर्जी से पता चलता है कि बहुत चांसेस है किसी नए इंसान के आने के ठीक है समन न्यू और ये जो नया इंसान है ना ये काफ़ी अलग टाइप का इंसान है इट्स अ न्यू पर्सनैलिटी बिकॉज बहुत फ्रेश एनर्जी है ऐसा इंसान से आप कभी मिले नहीं है इट्स वेरी फ्रेश फ्रेश पर्सन फ्रेश एनर्जी एंड समथिंग जिसके लिए जिसकी तरफ जाने के लिए आपको भी एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़े आप और वो हो सकता है आपका कंफर्ट जोन नहीं है इतना रिस्क लेना इतना लीप ऑफ फेथ लेना बट आप लेंगे क्योंकि लाइफ आपको आस्त करेगी वो लेने के लिए ठीक है किंग ऑफ कब से पता चलता है कि सिचुएशन में जो मेल है जो मैन है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा फीलिंग्स हैं उसको ज़्यादा प्यार है ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट इमोशनल कनेक्शन है एंड डेफिनेटली ये जो भी है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है ठीक है आप जो आप लोग पास पास नहीं हो आप दूर हो एक दूसरे से अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो सकते हो ठीक है आप दूर हैं हो सकता है आप काम के थ्रू मिलें ठीक है काम का कोई कनेक्शन हो या फिर मतलब इट्स नॉट नेसेसरी अब सबके लिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है बट काफियों के लिए सा हो सकता है कुछ वर्क डीलिंग रहे आपकी इस इंसान के साथ ठीक है बट डेफिनेटली जो भी एनर्जी है काफ़ी फन है काफ़ी एक्साइटिंग है और काफ़ी कैजुअल एंड लाइट एनर्जी है ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन रहेगी कि स्टेबल क्यों नहीं हो रहा रिलेशनशिप आप एक्चुअली उस चीज़ को शायद इन्जॉय करेंगे वो फ्रेश एनर्जी वो फ्लर्टिंग वो अटेंशन एंड यू नो वो सब वो पूरी वाइब आप उस चीज़ को इन्जॉय करेंगे ठीक है हाँ कुछ एनालिसिस भी आपका चलता रहेगा साथ साथ स्टेबिलिटी को लेकर बट इन्जॉयमेंट इट्स फन एंड इट्स इट्स लाइट बर्डन नहीं आ रहा है ठीक है देन हमारे पास है ना uh, जब uh, no, ये पर्सन फूल है ना हमारे पास तो हम ये हो सकता है एक्वेरियस हो ये इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं पाइस भी हो सकते हैं हमारे पास एक्वेरियस का कार्ड भी है न्यून एक्वेरियस डेफिनेटली ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं या फिर आप एक्वेरियस हो सकते हैं दोनों एक्वेरियस हो सकते हैं वेरी मच पॉसिबल नाउ लाइक आई सेड कि जो मैन है उसमें इमोशंस हैं और यहाँ वुमेन आ गई थिंकिंग वूमन सो जो वुमेन है वो सोच विचार में लगी हुई है ठीक है इमोशंस दोनों में हैं वैसे ठीक है इंटरेस्ट दोनों दोनों पार्टीज का है बट वुमेन जो है ना वो सोचती बहुत है या तो एंड वीमेन लेकिन सोच रही है द फैक्ट दैट शी इज थिंकिंग मतलब वो इंटरेस्टेड है इसलिए वो सोच रही है ठीक है बट वो बड़े ध्यान से आगे बढ़ेगी ध्यान से कैसे क्या ध्यान से अपने विजम से आगे बढ़ेगी उसको अगर लगेगा कि सही है तो ही वो आगे बढ़ेगी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही है हालांकि लेना में कोई हर्च नहीं है देन वी हैव इंडिया एनर्जी इंडिया की बताते पहले तो एक आपकी लव लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग आ रही है ये हम ये बताते हैं कि दो ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ इकट्ठे हो रही हैं एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए बट ये बहुत ऑपोजिट हैं एक बहुत एक्टिव है फायरी है पैशनेट है एक बहुत इमोशनल है सेंसिटिव है पैसिव है, 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 है और इंटेटिव है यस ठीक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन एंड देन हमारे पास है न्यूमोन एक्वेरियस एकज़ तो न्यूमोन एकवेरियस आप तो ये बताता है कि ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा लाइक स्टॉप लुकिंग बैक ठीक है पीछे मुड़ के देखना बंद करो आगे देखो आगे क्या रखा है ठीक है हो सकता है आपका पास्ट आपको ना रोक रहा आगे बढ़ने से पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या हो सकता है जो चॉइसेस हैं ये एक इंसान आपके पास्ट का हो सकता है एक इंसान नया हो सकता है जिनमें आपको चुनना है यस या फिर ये जो इतना आपका स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है ये आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसिस की वजह से आ रही है जो भी है बहुत जरूरी है पास्ट के आ, एक्सपीरियंसिस पास्ट पर्सन ठीक है इसी रिलेशनशिप में आपको जो पास्ट एक्सपीरियंसिस हैं वो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने में आपको दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा आपको चेंज लाना है थोड़ा फन चाहिए आपको अपनी लव लाइफ में बेसिकली थोड़ा स्पार्क चाहिए थोड़ा फ्रेश एनर्जी क्रिएट करो अपनी लव लाइफ में ठीक है बी एक्साइटिंग बी एक्साइटिंग एंड बी एक्साइटेड ना निमो ना क्वेरीअस ये बताता है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच लेकर नहीं चलें कि नहीं मुझे तो ऐसा ही इंसान चाहिए चेक लिस्ट बना रखिए या नहीं मैं तो ऐसे ही चलूँगी रिलेशनशिप में यही मेरा कम्फर्ट जोन है थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो ठीक है प्रोग्रेसिव होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना अपने किसी इंसान से अटैच नहीं होना स्पेस लो स्पेस दो बट ये भी नहीं कि आप एकदम डिटैच ही हो गए ठीक है ठीके? कि एक प्यार वाली एनर्जी ब्रिंग लव टू द सिचुएशन बी लविंग बी लविंग बी नॉट बी कोल्ड बट थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो जाओ थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाओ ठीक है थोड़ा मॉडर्न थिंकिंग ले आओ थोड़ा बी कैजुअल बी कैजुअल, बी ईजी ठीक है लेट थिंग्स फ्लो चीज़ों को अपने आप होने दो ठीक है आजकल जैसे आप हो सकता है बहुत पुरानी ट्रेडिशनल थिंकिंग लेकर चल रहे हो ठीक है तो हाँ ठीक है आपको एकदम ही उसको चैलेंज नहीं करना है पर थोड़ा सा इजी हो जाओ आजकल के जो मॉडर्न तरीके हैं मॉडर्न टेक्निक्स हैं ठीक है उनके लिए अडेप्टेबल हो जाएंगे तो सही रहेगा अब हो सकता है आपकी सोचो कि नहीं ऑनलाइन डेटिंग नहीं करनी है या ऑनलाइन किसी से बात कर ली तो नहीं करनी है फ्लोटिंग नहीं करनी है मिले ही नहीं है तो कैसे कर लें कर लो क्योंकि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कैजुअल है अटैच नहीं होना ना आपने उस इंसान से आप इजी रहो आप आपको वो चीज़ अपने अंदर लाने की आपको ओपन माइंडेड रहना है आप अपने लिए और पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हो ठीक है बट बी इजी बी ओपन इन्जॉय करो इन्जॉय करो ठीक है वी आर मून द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम सो इसका मतलब ये है कि डू नॉट गिव अप ऑन लव ठीक है ये नहीं सोचना कि कुछ नहीं हो सकता मेरा तो या इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऑलमोस्ट देर लग आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो ठीक है चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ठीक है चाहे आपको फील नहीं हो रहा है कि वो आगे बढ़ रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं ठीक है देन वी ऑल्सो हैव समाइम्स लाइफ थिंग्स तो वॉ स्पिर तो लाइफ वॉ स्परिट का मतलब यह है कि लाइफ आपको कभी कभी लेसन भी देती है कभी कभी चीज़ें जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं चलती हैं इट्स ऑल राइट इट्स ऑल राइट क्योंकि शायद आज आप जब पीछे मुड़ के उन चीज़ों को देखते हो तो आपको रियलाइज होता है कि शायद वो अच्छा आपका अच्छा ही हुआ कि यू नो थिंग एंड आउट अगर वो वर्कआउट हो जाता तो मैं आज इस जगह पे नहीं होती जहाँ पर मैं खुश हूँ या सेटिसफाइड हूँ ठीक है वो एस्पिरट ये बताता कि अपना को थोड़ा वल्नरेबल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अगर आपको कुछ आ, कुछ नहीं होता आपके हिसाब से या कुछ आपको दर्द होती है कहीं तो वो आपको कुछ सिखाता ही है और, और स्ट्रॉन्ग बनाता है ठीक है एंड हो सकता है जैसे आप फर्स्ट चॉइसेस आ रही हैं हो सकता है उसमें से एक चॉइस ऐसी हो जो आपको हर्ट कर सकती है ठीक है बट एन अ इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिप ऑफ फेथ लेना बंद कर देंगे यू हैव टू टेक लिप ऑफ फेथ यू हैव टू लाइफ को चांस देना जरूरी है अपने आप को चांस देना जरूरी है ठीक है एंड देन वी हैव ब्लेसिंग्स तो यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है बिल्कुल ब्लेस कर रहा है आपकी लव लाइफ ब्लैसिंग बन जाएगी बहुत फन एंड एक्साइटिंग बन जाएगी इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैन वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फीलिंग्स के बारे में ऑनेस्ट रहें गुड़ और बैड जैसे भी हैं ऑनेस्ट रहें प्रटेंट मत करो मास्क को उतारो आप कुछ प्रटेंट करने की ढकने की कोशिश करो आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है बी आउट देर बी ओपन वो खिड़की खोल दो दिल की खिड़की खोल दिल के दरवाजे खोल दो ठीक है एंड बी ऑनेस्ट अपने आप से सच बोलो अगले इंसान से सच बोलो बी ऑनेस्ट बी कॉन्फिडेंट कि ठीक है है तो है नहीं है तो नहीं है ठीक है अभी है हैप्पी हैप्पी आप बड़े खुश रहोगे आपको बड़ी टेंशन मिलने वाली है फ्लर्टिंग होने वाली है बातें शातें होने वाली है तो आप बड़े खुश रहोगे अप इन दर हवा में ठीक है यहाँ पे की होल बना हुआ तो मतलब कि न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू डोर्स खुलने वाले हैं आपके लिए काफ़ी आपको एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिल सकते हैं अप्रिसिएशन मिल सकता है जिस वजह से आप यू नो बहुत फील गुड वाइब बन जाएगी आपकी एकदम then we have Neptune. Neptune कहता है योर fantasies, yearning, longings and potential for illusion. So I feel that Neptune energy में है कि हो सकता है आपके कुछ unexpected, unexpected sorry unrealistic expectations हो अपनी love life को लेकर ठीक है कुछ ऐसे आप एक्सपेक्टेशन में हो जो कि हो सकता है आज के टाइम में नहीं चलती हैं या वो सोच आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं है या आप किसी इंसान से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि नहीं हो सकता वो आपका भ्रम है ठीक है वो आपका लाइक like सेड आपको आप मैसेज आया था हाँ ये इसमें इस कि आपको कुछ चीज़ों को लेट को करने की पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत है क्योंकि जो शायद आप अपने पास से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक आपका भ्रम है एक इल्यूजन है ठीक है एंड दूसरी बात ये भी है कि ज़रूरी है कि आप अपनी आ, बबल वर्ल्ड से निकल के अपने आप को रियल वर्ल्ड में मौका दें वनरेबल हों वॉस्ट स्पिरिट से मुझे यही मैसेज आता है कि थोड़ा वल्नरेबल होना ज़रूरी है अपने आप को बाहर निकालना ज़रूरी है ठीक है वो चांस थोड़ा रिस्क लेना थोड़ा एक्साइटिंग चीज़ें करना थोड़ा फ्लर्ट करना थोड़ा सा न मस्त हो जाना ज़रूरी है आपके लिए ठीक है राधा नपटिन एनर्जी एंड क्योंकि शायद बहुत टाइम हो गया दैट यूर लॉन्गिंग फॉर लव या आप बहुत वेट कर रहे हैं आ, किसी रिलेशनशिप के लिए किसी प्यार के लिए ठीक है यूर ऑलमोस्ट देयर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंट आप पहुंच रहे हैं वहाँ तक बट थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है लियो आया एक्सप्रेस करने की जरूरत है ठीक है अपने बारे में कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है और करेजस होने की लाइन क्या होता है बहुत करेजियस होता है ब्रेव होता है ठीक है ब्रेवरी से आगे बढ़ो ठीक है डरो मत की चोट लग जाएगी हर्ट हो जाओगे एनर्जी फ्लैम बॉइंड ड्रामेटिक प्राउड एंड पैशनेट तो ये सकता है जो इंसान आपकी लाइफ में आ ना वो ली हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो सकते हैं प्राउड हो सकते हैं पैशनेट भी होंगे यस yes, और काफ़ी ड्रामेटिक हो जाएगी आपकी लव लाइफ लाइक देर विल भी काफ़ी कुछ चल रहा होगा काफ़ी अटेंशन uh, मिल रही है अटेंशन दी जा रही है एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं लव लाइफ में इन पॉजिटिव वे क्योंकि ये मतलब काफ़ी चिल एक्साइटिंग एनर्जी है लव लाइफ की इन ट्वेंटी वन फोकस इज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ आप बस अपने ऊपर भरोसा रखो अपनी गत फीलिंग को ट्रस्ट करो अपने ऊपर भरोसा रखो कि ठीक हूँ मैं बढ़िया हूँ ठीक है अपनी अपने आकर में इनसे क्योर नहीं होना कि पता नहीं उसको मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है मैं ठीक तो हूँ मैं कुछ कम तो नहीं कर रहा या कुछ कम तो नहीं कर रही ये इन सब चीज़ों में मत पड़ो बी ईजी बी ईजी बी बिंदास ठीक है तो अच्छा रहेगा उस चीज़ को आप इंजॉय कर पाएंगे ठीक है yes. so यस सो यही है आपके लिए मैसेजेस फाइल फोर आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी मैसेजेस रेजोनेट हुए हुए तो जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ओके okay? हम मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ मे यू हैव अ ग्रेट ईयर अहेड हैप्पी न्यू ईयर माई नेम इज़ आकृति भाटिया वेलकम टू माई चैनल इफ़ यू न्यू टू माई चैनल टू सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली सो टूडे स्पीक अ कार्ड रीडिंग इज अबाउट योर लव लाइफ इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड दिस विल बी You know, telling you about what is coming for you in your love life, guidance for you for your love life. So we have four piles in front of us. Pile one, that is the flower, pile two, that is the heart, pile three is the star, and pile four is the leaf. So I've used these green pictures since green is the color of the heart chakra, and yes to start with the reading what you have to do is you have to select one of these piles and you will be selecting the piles through your intuition try selecting them with your intuition to ease out your selection process what i have done is i've added a clip of these piles in the video so that you can pause the video over there focus and meditate on each of the pile and pick the pile which calls upon you the most once you're done with the selection, you can check the timestamps from the description box below or the comment section below. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. If you're interested in personal readings, I do offer personal readings as well. For that, you have you can communicate with me through my email ID or my Instagram page. You can DM me on my Instagram page. The details for both are mentioned in the description box below. So let's get started. For those who chose pile 1, let's see what's coming for you, your love life 2021. The flower people. Now, so from the tarot deck, we have the Seven of Wands, the Eight of Cups, and the Three of Pentacles. From the Energy Oracle cards, we have Adjacent Possibilities. From the Astrology cards, we have Pisces and Sixth House. Then, from the monology oracle cards, we have full moon in Libra. From the animal spirit oracle cards, we have seahorse spirit watch and wait. From the wisdom of the oracle cards, we have come to the edge. From the monology oracle cards, we have south Node, don't let your past hold you back. And finally, from the universal love healing oracle cards, we have message from afar. Okay, interesting. So, okay, so first of all, with the tarot deck, so we have the seven of wands and the eight of cups. It seems like with the seven of wands energy that you're the kind of person who pushes people away, who does who is very defensive of themselves, of their heart, of their emotions, and uh, is. Uh, you know have their own space and they you protect your own space okay that is your energy and with the eight of cups i see that there will be a shift there will be a shift in your energy in the month of not in the month of in the year 2021 this is an yearly reading the year 2021 it seems like this shift is just you know you realizing what who matters like in uh, 2021, you will be, you know, very much realizing, you will very much realizing, becoming conscious about who actually matter and who actually don't. And from those who don't matter, you will be walking away from them. You will be putting walls against them. You will be saying no, like a big no to them, because you will realize that, you know, these things, these people, these thoughts, they are not honoring you, they are not benefiting you in any way, and they are not part of your path. They are not a part of your path. And you will be walking away from them, you will be taking space from them. Okay, although that will take a lot of courage, but it is what you do. And it might not be very, uh, you know, this shift might not be very happy, happy. Like you will be a bit sad about walking away, but I believe that you will know that it is the right thing to do yes that is what i see in here and then we have the 3 of pentacles so there is a possibility that you could be meeting some interest some crush some 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 kind of love interest it's not very deep it's not very intense but some some love flirting energy a bit casual at your workplace or through someone you work with like, someone could introduce you. A colleague of yours could introduce you to their friend or relative or someone. Or you could meet someone at workplace. Like, something is definitely happening at workplace because we have the three of pentacles and the sixth house as well, which says the work, health, and duty area of your life. Like, no workplace. You will definitely be meeting someone at your workplace. But I don't see like it's a very serious thing happening in here. I see that there's a lot of. Potential, I see potential. Okay, it will definitely start with friendship. Yeah, because it's a three of pentacles. Now, there's something which is easy, something which you know has a potential for growth, and there's a lot of expression in there. Yeah, emotional expression. Yes. Then we have South Node, which actually talks about don't let your past hold you back. Because uh, right in here with the Seven of Wands and the Eight of Cups energy, you are not letting your past hold you back. You're actually fighting against your past, walking away from your past, uh, honoring what is good for you and what is not, and walking away from what is not good for you. Yes so that is also guidance for you that this is the time to move on to let go of your past and don't let it hold you back because your past is holding you back okay then we also have full moon in libra i'm just picking cards randomly which i really get you know a strong message from so, full moon in Libra. A win-win outcome is fo forecast This is a beautiful card in a love reading. This is a very good card because it shows that things will finally be in balance. Like things have been uh, through a roller coaster ride in the past, very lots of ups and downs. But now it will be smooth. It will be balanced. It will be flowing. Yes, and. Full moon in Libra talks about a partnership. There is a strong potential for partnership. This is love partnership. This is also career partnership. So it is also very much possible for a lot of you all that you know the person you're working with or working in partnership with could be your romantic partner as well. Or your romantic partner, you could start working with your romantic partner yes, that is also a very strong possibility. yes, that you're, you now, creating something out of that relationship. you're making, you know, making something out of the relationship, making it worth, more worth, i mean, of course. okay, so that is a very strong possibility. but definitely things are coming into flow and things are romantic. now, we have come to the edge. so come to the edge talks about taking a leap of faith. Like, you know, probably you found comfort in your past, but now it's time to, you know, come to the edge and see what is more out there. What is what more you can have? Like, we have adjacent possibilities as well. Like, coming to the edge and looking at the various possibilities that you have, you know, instead of just sitting there in your comfort zone and you know, blocking yourself, holding yourself back, just being out there, coming to the edge, taking that leap of faith. Yes. Then we also have Seahorse Spirit, watch and wait. Okay, so watch and wait basically talks about that you have to be, I, I believe that it's talking about that, don't rush yourself into things. Like just be observant about things initially because probably that is why we have the three of pentacles and not like a very romantic energy because you will be a bit slow with your approach, especially uh, seeing what you might have been through the uh, in the past. You might have been through in the past, okay, which was not something very healthy. So you will be moving slow, patiently, but definitely you will be. Uh, moving forward and you need to watch like you need to see what else is there that you can have right Also, with the three horse spirit you know i i'm very much drawn towards its eye so i believe that with watch i feel like you need to see things with another perspective as well like probably you have been too pessimistic about your love life in the past but now you need to be a bit more optimistic and find out other ways to you know in order to gain success in your love life, in order to uh, make it more balanced and more in more harmony. Okay, then we have Pisces. Pisces says this energy is wistful, endlessly loving, compassionate, and forgiving, it confuses and softens resolve. So, Pisces is first of all, Pisces is about like an end of a cycle and you know, taking you towards a new beginning. So, one message is that the other is that this person you're going to deal with could be a Pisces or even could be a Libra, yes, but more chances of them being a Pisces or you could be a Pisces, yeah. Now, Pisces, well it says that this energy is endlessly loving so there's a potential of some endless love and care and compassion coming towards you and it is also about forgiveness why because an, a cycle is ending so you need to release the negativity through forgiveness so that you can make space for the new things coming up for you so in in the, with the south node energy and you have to basically forgive your past you have to forgive the people involved you have to forgive the circumstances you have to forgive yourself in order to move on and you know so that things are more clean and there is space for new things and positive things to come yes now we have message from afar so message from afar first of all talks about Message from the universe that the universe is definitely guiding you, and we have the Pisces energy as well, which is highly, highly intuitive, highly spiritual. So, definitely, the universe is guiding you through this all, and the universe is protecting you. Message from afar also means that probably this person that you're going to get involved with is someone far away, and they could be messaging you, like you know, literally, they could be messaging you. Uh, uh, and there could be lots of talks through messages flirting showing interest expression of love through messages yes that is very much possible and also focus on the universe's message yes trust your instincts yes okay. so this is all i have for you pile one i hope you have a great year ahead and lots of love and light like to you. If you like my video, do like, share, and subscribe, and also comment and let me know how you liked it. So, we'll even meet the next time. Bye bye. Pile two for those who chose the heart. Let's see what messages we have for you for your love life in 2021. So, we have from the tarot deck: we have Four of Cups, Knight of Pentacles, and Justice. then from the energy oracle cards, we have angel of strength. From the astrology oracle cards, we have the fourth house and the moon. From the animal spirit oracle cards, we have angel of spirit, life is speeding up. From the monology oracle cards, we have first quarter moon, your commitment is being tested. From the wisdom of the oracle cards, we have clean it up and treasure island. Okay, and finally, from the Universal love healing oracle cards. We have garden. Alrighty. So, okay. So straight away from the tarot deck. First of all, for those who are already in a relationship, I would like to say that uh, there is a lot of stability coming up in your relationship and more balance and harmony as well. It also feels like you could feel at times that you are not emotionally satisfied because you could feel like you know, you could feel that things are moving too slow and but you should know that it's not slow. Probably you've reached that a very stable stage in your career and with the four of cups energy i feel that it is up to you to uh, you know ignite the spark back and be a bit more romantic and look into the emotional aspects of the relationship as well rather than only focusing on the practical and security aspects of the relationship now for those who are single i see that with the knight of pentacles energy i see that you could be very much Focus on security, security, and security in this year ahead. And uh, you know, with that energy, I feel that with the Four of Cups, you could be very ignorant about the emotional aspects of your life. Okay, probably you're too career oriented, okay, or too uh, cautious in your steps. That you could be ignorant about the emotional aspects, and it's not like you're very satisfied emotionally. You do feel like something is lacking, but you're not paying attention to what is being offered to you, and something will be offered to you in the year ahead, but it is up to you whether you pay attention to it or not. Okay. The justice in between talks about balancing. So justice is basically, I feel that it is guiding you to balance your emotional and practical sides. It is guiding you to, you know, uh, be aware of the practicalities. Yes, not please do not ignore them, but also be aware of the emotional aspect. Like be a bit romantic, be a bit conscious about your emotions, and also. It could be like you could be you know, probably you're waiting at the wrong door You need to look around like what else is available? And you might get surprised because just this libra energy shows that there is definitely A possibility for a good romantic relationships because we have libra, but it asks for balance It, it asks for you to look at both the aspects emotional and practical Yes now also uh, now we have also we have clean it up so clean it up talks about that there probably could be things that you're holding on to within yourself which are not really healthy these could be your fears you know because we have a uh, moon energy as well moon is very emotional and uh, it's dark it's it's mysterious. So, there could be some fear, some mysteries within you, which also you are not acknowledging. Like, you're not, uh, you know, you are a very sensitive person, but you're not paying attention to your sensitive side. You're not paying attention to your emotions. But 2021 is asking for you to pay attention to your emotions because it is time to clean it up. It is time to make space, okay? So that good things can come to you, which are being offered by the universe to you, and uh, and you can move forward to a more stable love life. Yes, more stability in your love life. Okay. Then uh, we also have fourth house. So your home and the roots of your being. Okay. So fourth house. Well, um, um. I feel I generally feel fourth house is like home. So I find you know I related with security. The fourth house I related with security and we have number four in here as well. So I feel that you are someone who is very, very much concerned about security. Okay. It also means that you could meet someone in at home in a home setting at someone else's home. And the fourth house is telling you that you are safe. You are secure. You do not you do not need to worry about security. We have the justice energy. It means that you know what is right for you and you will stand for what is right for you. You're not in that energy where you will be attracting something wrong to yourself. There will be justice. Okay, only the right will happen. The wrong will not. So you need not worry about your security you are secure you're free to be vulnerable and let your emotions out okay then we have angel of strength as well which is asking you to be strong the angel of strength is with you and it is about your solar plexus chakra which also again talks about expression emotional balancing and you know uh, love showing love showing what you have inside being out there and not Suppressing your power, being out there, okay. In of strength, talks about being courageous. Now, you need to be courageous for love, you need to be strong, and you are strong, you're just ignoring that side of yours. Yes, that is what I see in here. Then we have um, your commitment is being tested first quarter moon. So, I feel that, uh, first of all, for those in a relationship, if you feel that you are facing you know a bit rough time in your relationship okay you could feel that way on your emotional aspect part but you should know that your relationship is Almost there, almost at that level of you know reaching that totally balanced energy and the stable and secure relationship energy, it is moving forward in a very very good direction, in a very very secure direction, and you need to stay committed to it, you need to stay strong towards it. And for those who are single, it says that for the singles that you your commitment is being tested and then you could be committed to you know a thought, a thought or an idea of a beautiful relationship. Stay committed to it. Do not give up on love. Do not give up on love. Stay committed towards love. You're almost there. Okay, there could be some hurdles, there could be some obstacles, but they're all to test you, to test your courage, to test your confidence. And once you show your confidence, you'll definitely be there to that secure home life that you want, to that secure relationship that you want. Okay, a lot of security. And then we have Treasure Island. Like you will find treasure, you will find your love, you'll hit the jackpot in the coming year but yes again we have the turtle in here so what is the total about it is about consistency commitment it doesn't give up however slow it is however uh, weak people say the turtle might be but it is committed okay so you have to say committed towards love you do not give up on love okay then we have angel of spirit life is speeding up so angel of spirit talks about that you know the life is rushing the time is passing by you know it is high time that you make the effort it is high time that you take action about what you want you know like it is actually telling you to make the first move do not wait for someone else's first move just do it probably they are waiting for you okay or probably they have made their move but you are not paying attention to it or so you are not acknowledging it so it is time for you to make the first move okay and take action about your life because time is passing by okay yes finally we have garden so what else do you need the garden angels are with you they're guiding you they're blessing you with the moon energy i see that you are someone who's highly intuitive highly uh, sensitive to energies and you sense things but you are ignoring it you're ignoring the messages that you receive from the universe do not ignore if you feel like doing it just go for it just go for it do not think twice okay yeah just believe in yourself that is what you need to do. Okay, so that was all for you, pile two. Thank you so much for watching the video. If you like the reading, do like, share, and subscribe, and also comment on my video and follow me on Instagram for more and more guidance. We'll meet the next time with a new video. Take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile three. To those who chose the star, let's see what's coming for you in love life 2021. So from the tarot deck, we have the Queen of Wands. The Ace of Wands and the Lovers. Okay, interesting. Then we have from the Energy Oracle cards, we have Woman Holding a Heart and the Garden and the Gate. From the Wisdom of. Oh, sorry. Animal Spirit Oracle cards, we have Chameleon Spirit Act As If. Okay. And from the Monology Oracle cards, okay, we have. New Moon and Capricorn. Okay. Hard work is paying off. Then from the wisdom of the Oracle cards, we have flexible and regeneration. A lot of cards have come out for this pile. From the astrology oracle cards, we have Jupiter and Fifth House. So Jupiter and Fifth House. Okay. And finally from the Universal Love Healing Oracle cards, we have Golden Path. And earth connection. All right, so interesting pile, very interesting pile, and a lot of cards we have in here. So first off, starting with the tarot deck. Well, I see a lot of red in here, so I see a lot of energy, a lot of passion, and a lot of attraction. So there's a lot of attraction coming up. I see that there's a new new possibility coming up in your love life and this is you know it's very much possible for a soulmate connection coming up in your life and this is so beautiful this is so magnetic this is so magnetic this is so intense this is so powerful and this is so um you know uh, guided by the divine power yes it's a new, it's a fresh, it's a fresh beginning. It's a new beginning in your love life, and it has so much potential for growth. So much potential for growth. I believe that uh, the female will be highly attracted and highly attractive in this connection. Okay, and uh, you could be a Leo, or you could be dealing with a Leo in this connection, this energy, and there's. A lot of expression, like I see everything just out there open, so there's a lot of expression, okay, and a strong connection a very strong, intense, powerful connection that you'll be feeling flirting, express complete expression, okay, amazing energy. And uh, we have Gemini, so there has to be expression. Okay, and there's a lot of physical attraction. Now, uh, you uh, either you are a Gemini, or you know the, the person you're dealing with could be a Gemini, and a combination of a fire sign as well—Aries, Leo, Sagittarius—most probably Leo. Yes. Now, then we have a woman holding a heart. So clearly, the lady is definitely very interested. Very interested. She's holding her heart out, and the lady is very attractive as well very attractive okay and then um, we have the garden and the gate so the garden and the gate shows that you know there could be you know in spite of that attraction intense romantic energy there could be a you know a feeling of dilemma there could be a feeling like you have choice you know because we have the lovers energy so it's like you have a choice to go for it or to not go for it to stay or to take that chance and be adventurous about it okay but the garden in the gate definitely guides you to because it it says that you have the power you can open the gate and explore what is out there, because you could be comfortable in your own skin right now. But then you have the, you know, choice to make that you want to stay or you want to take a leap of faith and explore. Okay, it is your choice. But definitely, with the lovers energy, I feel that you could be choosing to you know, go the adventurous path and exploring what is out there because it. Is so magnetic, it is so so magnetic. Okay, we have the uh, new moon and Capricorn. So, with the Capricorn energy, either of you could be a Capricorn, definitely, yes. Yeah, but with the Capricorn energy, I feel like you know, you could be meeting this person at workplace or at work, or both of you could be people, or this person could be someone who's very successful with life and doing very well, and you could also be doing very well with your uh, career okay but you'll meet this person when uh, your career is doing well and you might meet through career like on a, for a project or something or at workplace yes very much possible and this person will help you grow in your career as well and uh, you know help you work towards your career then we have a uh, fifth house and jupiter so jupiter says that your confidence courage self-belief and luck okay so clearly you're going to get lucky in your love life definitely very lucky in your love life so with the jupiter energy this person could also be a sagittarius yes because that's a fire sign ruled by jupiter okay confidence courage self-belief so definitely you have to be confident about yourself you have to believe in yourself and you have to be courageous to take that first step to make that choice to explore to take that chance to explore and you're going to get lucky. I see flying, so it's like literally you're taking a leap of faith. You're flying, like you're jumping. You're taking a leap of faith, believing that you have wings and you can fly. Okay. Then we have fifth house, very romantic energy. It's very romantic, you know, where you have fun, romance, and create things you are proud of. So, it is very romantic. Love is in the air, very much in the air. You could definitely be entering into a relationship. But we have the Jupiter energy, so I feel that you know this relationship is something which is very much based on wisdom. Like, you know what you're doing, you know what you're getting into, you know where you're headed, and there is trust. You know, the morals are strong, there is trust, belief, and confidence. So there's a lot of confidence and um, wisdom involved in here. I'm with the 5000 energy. I see that you know uh, you could be you know very much into this person. If you're already in a relationship, then yes, you could be entering a new phase in your relationship, which is very romantic, very fun, and you know you, you will be having a really good time in your relationship. Okay, but that will require you to. Take you know a different route, like bring some changes within yourself, and in order to explore more to this relationship that you are in, yes, because like, yes, we have the regeneration. So, regeneration is all about you know, second chances, a regeneration, a new you, a new life, a new beginning. So, regeneration, first of all, definitely this could be. Um, for those who are already in a relationship, this could mean that your relationship is entering a second phase, a beautiful phase. Like you probably could not expect this stage in your relationship, or probably things were going a bit dull, and now it will be all sparkling and intense and passion all over around, romance in the air, definitely. And for those who are single, then you will go through a transformation before like entering into this relationship or for entering into this relationship you will be going through a transformation you will be going through a lot of changes around you even within you you could be going through a complete makeover or you could be you know changing your place or redecorating your space or something because there's a lot a lot of changes going on around you in your surroundings within you you could even feel it like something's changing something's changing you could feel it because that is a sign that you know it's time for you to be a new you to to allow this new energy to come into your life we have the chameleon okay we have the chameleon and flexible and regeneration i'm going to read these cards together because they make a lot of sense together so chameleon actually asks you that again there are a lot of changes going on around you and the chameleon asks you to adapt to those changes you know act you know act like those around you you know learn to be the way people are around you. It does not ask you to, you know, be fake or just trying too hard to fit in, but being flexible, being adaptable. Yes, yes. Some of you could be changing your place or something, you know, that could ask you, or you could be joining a new job or something, which could ask you to, you know, change your old ways and become a new you, but a better you, a more uh reformed and uh, more groomed you, okay in a positive way, it's not like you have to uh, you know lose your identity your individuality. No, absolutely not. You just have to refine it, you know be a better version of yourself. basically, something that is adaptable that gels well, you now get alongs well with the people around and your surroundings. okay that is all it asks you. That will help you with your love life. Definitely, being flexible and being adaptable to the changes, because there are a lot of, lot of changes happening in here. Yes. Then finally, we have golden path. So golden path tells you that you are on the right path. This, uh, this path might ask you to make some changes, to you know make some adjustments. So be it just trust that you are on the right path. What, whatever comes in your way is a part of your path and you just have to be flexible about it. Do not doubt it. Just be flexible, be adaptable to it, okay? now, and we have earth connection, so we have a tree and a heart within. so i feel like, you know, this connection is something that is very much deep-rooted, very much deep-rooted, and something which is very strong, as solid as a trunk of this tree. i feel that there is a heart right in the middle. and it is important, you know, with all these changes going on, it is important that you stay connected to nature, to mother earth, to the ground. So, that you do not lose yourself in those changes, you do not lose your identity in those changes. So, please stay connected to Mother Nature so that it helps you heal, it helps you transform in a way that you grow and do not wander and lose yourself. Okay, so that is all for you, pile three amazing reading, very interesting, passionate energy. So I hope you liked the reading. And if you did, do like, share, and subscribe. Also, comment, let me know in the comments. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Happy new year. Bye bye. Pile 4 for those who chose the leaf. Let's see what's coming for you in your love life in 2021. So from the tarot deck, we have the Two of Pentacles, the King of Cups, and the Fool from the energy oracle cards we have thinking woman and yin yang yin yang okay. from the life Purp uh, sorry not we have the wisdom of the oracle cards we have happy happy and truth be told okay then from the monology oracle cards we have new moon in aquarius and waxing moon from the animal spirit oracle cards we have wasp spirit from the okay from the universal love healing oracle cards we have blessings and from the astrology oracle cards we have leo and neptune all righty all right all right so starting with the tarot deck okay okay i see first of all with the fool card i see that there is a lot of fresh fresh energy coming in someone new could be coming into your life and uh, very new like this person is totally this person is new and his personality is also new like you have probably not met this sort of person before in your life and king of cups we have okay so you know overall i see it like with the two of pentacles energy that um you guys you could be having some choices in your love life okay like you could have two people that you're confused about in your love life in the year 2021 and it seems like um one Option like one option could be something that you are probably attached to, and the other option could be something that you are attracted to or more interested in. Okay, like you know, there's there could be some sort of that possibility. Now, I don't see a very stable energy in your love life in the next year, like things will be like you know like where to go where do i go where do i go or you're still exploring and you know evaluating and evaluating because we have the full energy which is all up in the air the king of cups is water energy which is again not very stable the two of cups is again like this and this like up up and down analyzing analyzing not having a proper ground so definitely you are not having a like a proper proper relationship or uh, even if you're having a relationship or a romantic connection, it's not something which you are very much sure about for the long term or that is very stable. It's like maybe, maybe not, and you're just analyzing things. Okay, but definitely this could be like you know, either you're confused between someone you've had from the past and someone new who has come into your life. Or uh, you're just confused about one person who has come into your life, and you're like, "What do I do about this person? I don't know what do they want and what I want from this person." clearly with the King of Cups energy, I feel that the man is more interested. The man is more has more emotions in this area. The man, the man is more romantic, and uh, this person could definitely from a different city from a distance like they're traveling they have to travel to come to you or you have to travel to uh, connect with them you could meet this person at work possibility yes you could meet this person at work not necessarily since it's a general reading and but you're not sure you're not sure like there's a lot of flirting there's a lot of emotional connection yes there are emotions involved there is expression of love as well but it's not like you are very much attached to this person. it's like a you know casual energy like you're exploring you're seeing where it goes okay and yeah and and analyzing of course as well analyzing as well yes. then we have the thinking woman see so probably the man is interested but the woman is thinking like what should I do? what should i do should i go for him should i not go for him like that that is the women's energy okay thinking thinking and you know uh, being very uh, like yes the woman is interested but that is why she is thinking but based on her wisdom like she will only go for it if she feels it is right like she is not someone who just follows her emotions that is the man who follows his emotion, but the woman is like, you know, she will do her analysis and do what she feels is right, like follow her wisdom. Yes, then we have yin yang energy as well. So, clearly, this is something which is I see that two opposites are coming together, two opposites are coming together. One is very active, and one is passive, okay and with the yin yang energy I also sense that a cycle is ending and there's a new beginning coming up there's a new new beginning and because these two people are opposite they definitely have the potential to complete each other okay but yes with the two of pentacles energy there are things that need to be worked upon yes yes now with the full energy I also sense that you know for this connection there will be courage required. There will be, you know, you will be required to take a leap of faith. This person could be an Aquarius. Yes, could be an Aquarius or Pisces. It's yes, definitely this person could be an Aquarius or Pisces. Okay, either of them. Well, we have New Moon and Aquarius as well. So, this person could definitely be an Aquarius. Definitely now new moon and aquarius talks about being lo bring love into the situation so aquarius is like it's not very clingy it does not get too attached but it does uh, acknowledge love okay also aquarius talks about letting go of your past probably you are being too analytical because your past has not been very healthy or the other choice that you have could be your past so or your uh, you know the fact that you're not uh, able to be you're not able to bring stability in your love life or in your relationship is because of your past uh, patterns your past patterns or your uh, past experiences so you need to let go of your past you need to let go of the energy that is not benefiting you and move forward okay move forward in a Free way in a more, you uh, know, in, in a more, how do I say it, uh, approachable, approachable but not clingy way. Yes, that is what you need to do right now and not look back, not the time to look back and not the time to quit as well because we have the energy is gaining momentum that things are moving forward. This is not a good time to give up. Okay, give it give your life a chance. Definitely give it a chance and take a leap of faith. Things will work out. But you need to give it a chance, but not get attached. Like so many conditions to you, but you have to take care of it. Okay. Then we also have happy, happy. So you'll definitely be very happy with your love life because you'll be receiving a lot of attention and there will be romance in the air and very flirting, healthy. Healthy floating energy you know, that is Aquarius, you know, it's, it's healthy flirting. It's not, there is no attachment, there is just expression and a lot of communication. And also, it's not unhealthy, it's very modern, it's very progressive. Like, you also have to be progressive and not be too picky or too rigid about things. Or, probably, you have an idea of a man that is too, uh, too picky and too restricted you have to get out the energy and be more open-minded be more progressive about things okay and happy happy is about that you will be opening new doors in your love life and you will be like uh, up in the air very very happy and you know very uh, feeling good about yourself feeling good about yourself and your life you will also be, be receiving some gifts or some Appreciation, token of appreciation, yeah, from this person. Then we have truth be told. So, the universe is asking you to let the mask off and express your emotions honestly. Be honest about your feelings, especially to yourself. I mean, yes, open the window, do not be a mystery, do not wear a mask, do not pretend. Just say it, say the truth, be honest then we have wasp wasp spirit sometimes life stinks okay so sometimes life stinks is actually about like the wasp spirit reminds you that you know life is life gives you lessons at times so probably in the past also life has given you lessons and things have not been more but if you look at look back now then you might feel that probably you know it was for the highest good it was for the best that Something did not happen. Okay. Similarly, War Spirit is trying to tell you that even in 2021, there could be some people, like I see choices, right? So, there, there could be some people who actually could not be very good for you. Okay. So, you might get hurt or you might get some reality checks about them. Okay. So, you have to know that if something is not working out, it is for your own good. It is like uh, life giving you a lesson that this is not good for you you should go for something else or this is not the way to approach it you have to approach it in a different way okay so that is what is wasp spirit is trying to tell you and then we have a uh, blessing so definitely the universe is blessing you it is universe's blessings that you will meet this person or some things will work out for you or something will not work out for you that is also a blessing from the universe and then we have uh, leo and neptune so neptune talks about your fantasies yearnings longings and potential for illusion okay so neptune actually talks about that um, probably what you expect or what your idea for your love life is could be a bit in an illusion okay it could be in an illusion so you have to be more progressive I said, more progressive and you have to bit be, be a bit vulnerable in order to see what the reality is and also you need to be honest to yourself so that you know when you speak your own truth you see the truth of others as well okay and Neptune energy also talks about like you could be longing for love for a very long time. And now is the time that you will actually be receiving it, but you need to be honest, you need to be out there, you need to be vulnerable. Okay. Then we have Leo. Leo talks about the energy is flamboyant, dramatic, proud, and passionate. It focuses on the importance of self belief. So, definitely, Leo is all about self expression, expression of love, romance, and very dramatic. Very dramatic. It actually like full energy this person could be a leo as well yeah this person who's coming into your life this person could be a leo very uh, flamboyant dramatic proud and passionate okay so but you you have to believe in yourself you have to be confident about yourself and you have to be expressive you have to be expressive okay in order to make the most of the situation there could be drama in your love life not interesting drama, not bad drama, something that keeps you entertained and something that keeps you busy and something to think about, basically, something to occupy your mind. You know, it will be healthy if you move on from your past and be more progressive with your thinking. Okay, like look forward and not look back. Okay. So that was all for you, pile 4. I hope the reading helped you and it resonated with you. If it did, do like, share, and subscribe, and also comment. Let me know in the comments how you like the reading. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.